सुप्रभात बच्चों, आओ सीखे स्वरमाला। अ से अनार, अ अ अनार, आ से आम, आ आ आम। फिर से बोलेंगे, अ से अनार, अ अ अनार, आ से आम, आ आ आम। ई से इमली, ई ई इमली, ई से ईक, ई ई ईक। ई से इमली, ई ई इमली, ई से ईक, ई ई ईक। ऊ से उल्लू, ओ ओ उल्लू, ओ से ऊन, ओ ओ ऊन। ऊ से उल्लू, ओ ओ उल्लू, ओ से ऊन, ओ ओ ऊन। री से ऋषि, री री ऋषि, ए से एड़ी, ए ए एड़ी। री से ऋषि, री री ऋषि, ए से एड़ी, ए ए एड़ी। ऐसे ऐनक, ए ए ऐनक, ओ से ओखली, ओ ओ ओखली। ऐसे ऐनक, ए ए ऐनक, ओ से उखली, ओ ओ उखली। ओ से औरत, ओ ओ औरत, अंग से अंगूर, अंग अंग अंगूर। ओ से औरत, ओ ओ औरत, अंग से अंगूर, अंग अंग अंगूर। आहा है खाली, आओ पुनः दोहराए। अ से अनार, अ अ अनार, आ से आम, आ आ आम। ई से इमली, ई ई इमली, ई से ईक, ई ई ईक। ऊ से उल्लू, उ उ उल्लू, उ से ऊन, उ उ ऊन। री से ऋषि, री री ऋषि, ए से एड़ी, ए ए एड़ी। ऐसे ऐनक, ए ए ऐनक, ओ से उखली, ओ ओ उखली। ओ से औरत, अ अ औरत, अंग से अंगूर, अंग अंग अंगूर, आहा है खाली। बच्चों आओ हम एक कविता का अभ्यास करें। टी कविता का नाम है टिंडे का दद्दू। ये क्या है? कद्दू, ठीक है। और ये कौन है? टिंडे का दद्दू। आओ मिलकर गाए। गोल गोल सा दिखने वाला, हरा पीला सा लगने वाला। गोल गोल सा दिखने वाला, हरा पीला सा लगने वाला। मोटी मोटी चमड़ी वाला, मैं मोटा सा कद्दू हूँ। मोटी मोटी चमड़ी वाला, मैं मोटा सा कद्दू हूँ। आलू का मैं ताऊ कहलाता, आलू का मैं ताऊ कहलाता, और टिंडे का दद्दू हूँ। आओ मिलकर बोले एक बार फिर से। गोल गोल सा दिखने वाला, हरा पीला सा लगने वाला। मोटी मोटी चमड़ी वाला, मैं मोटा सा कद्दू हूँ। आलू का मैं ताऊ कहलाता, और टिंडे का दद्दू हूँ। मजा आई ना? ये है कद्दू। तो अब से हम कद्दू की सब्जी भी खाएंगे और कविता भी दोहराएंगे, ठीक है। दोहराते रहिए।